हमारे आज के मेहमान जब भी कोई किसी बड़े अदाकार का बेटा या बेटी आता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके इंट्रोडक्शन में उनका जिक्र ना करूं, लेकिन ये उस शख्सियत का बेटा है कि मैं नाम लूंगा ना तो आप परेशान हो जाए। याद करें, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत लड़का, वाह, राहत काजमी साहब। राहत काजमी साहब, राहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। राहत साहब, दरअसल ये मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैं बचपन से लेके आज तक तरस रहा हूँ कि मेरी आपसे किसी तरह मुलाकात हो जाए, किसी तरह मैं सिर्फ आपसे हाथ मिला लूँ और मैं सिर्फ ये देख लूँ कि राहत साहब आपके हाथ का टेम्परेचर कैसा है, आपको टच करके महसूस कैसे किया जाता है। आप इतने बड़े फनकार और इतने बड़े, मैं इतना बड़ा आपका फैन हूँ, मैं आपका फैन हूँ, लेकिन आपके बेटे ने, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, आपके बेटे ने भी बड़ी मेहनत की है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। और इसलिए नहीं कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो बड़ी फिल्मों में आते हैं तो हमने उनको बुला लिया है, हमने सिर्फ इसलिए बुलाया उन्हें कि वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा में, फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, चाहे वो बागी में सबा कमर के साथ क्यों ना हो। तो अली काजमी साहब, प्लीज कम ऑन। सर प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। क्या बात, वाह। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम हसीन चेहरों की तरफ से और पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स की तरफ से, वेलकम टू मजाक। अली भाई वेलकम टू द शो, लेकिन तुसे सारे दौड़ के फुल पीछे स्टार्ट देने। चला यार अली भाई जी, इतने सोने बाल, भी यहाँ एहो जे बाल अमरीका च कटे जाते या जेल च कटे जाते? तो एक बारी करंट लग गया सी ते कभी बैठे नहीं थे। नसीब वाले तो करंट लगा तो बच गए ने, इधर वेखो कितों तक करंट गया जी। आपको पता है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश। अरे अच्छा जी, बोल के दिखा। अब आप मुझे कहें जरा, मे आई कमिंग? मे आई कमिंग? जस्ट शट अप। तेरी मुक्त सर अंग्रेजी का भी फिटे मूंह।